औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव। पहला, आजीविका के लिए उद्योगों पर निर्भरता। औद्योगिक क्रांति की वजह से सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। औद्योगिकरण का एक दूरगामी परिणाम यह था कि लोग कृषि से हटकर शहरी कारखानों में काम करने लगे। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों में आज केवल 2 या 3% लोग खेती करते हैं और बाकी लोग कारखानों या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। इन देशों में छोटे किसानों का अंत हो गया, अब वे कारखानों में मजदूर बन गए हैं। औद्योगिक शहरों की जनसंख्या में वृद्धि इस बात की ओर संकेत करती है कि अब वे अपनी आजीविका के लिए पूरे तौर पर उद्योगों पर निर्भर हो गए हैं। दूसरा, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म। औद्योगिकरण का एक और प्रभाव यह हुआ कि आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई। इस तरह औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति के चलते समाज दो खेमों या वर्गों में बट गया। एक ओर मजदूर थे जिनके पास केवल श्रम करने की क्षमता थी, जिसे वे आजीविका के लिए कारखानों के मालिकों को बेचते थे। इसके बदले उन्हें मामूली मजदूरी मिलती थी। दूसरी ओर पूंजीपति और जमींदार थे जिन्होंने सूझबूझ से उद्योग लगाए और पूंजी लगाकर जोखिम उठाया, मगर उससे मिलने वाला सारा लाभ पूंजीपतियों को ही मिलता था। वे समय के साथ अपनी पूंजी को बढ़ाते गए और मजदूर उन पर और निर्भर होते गए। तीसरा, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में एक बुनियादी समस्या यह होती थी कि किसी कारखाने के मालिक को यह वास्तव में पता नहीं रहता है कि उसका माल बिकेगा या नहीं। अक्सर विभिन्न कारणों से बाजार में मंदी आ जाती है और माल बिकना बंद हो जाता है। यह या तो इसलिए होता है बाजार में ज़रूरत से अधिक माल बनकर बिकने आ जाता है, या फिर इसलिए होता है कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। ऐसे में मालिक को घाटा हो जाता है और उसे अपना उत्पादन बंद करना पड़ता है और कामगारों की छटनी करनी पड़ती है। इससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हो जाती है। चौथा, लागत कम करने का सतत प्रयास। हर मालिक लागत को कम करने के सतत प्रयास में रहता है। लागत कम करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे ऐसी मशीन या प्रणाली का उपयोग जिसकी मदद से वह कम मजदूरों से अधिक उत्पादन करवा पाए, या फिर किसी तरह कच्चे माल को कम कीमत पर प्राप्त करने का प्रयास करें, या फिर पुराने सामान की जगह और कोई नया सामान बनाएं। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की यह एक पहचान है कि इसमें सतत तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं और उत्पादन प्रणाली बदलती रहती है। तकनीकी बदलाव और नई मशीनों के आने से अक्सर मालिकों को बहुत से मजदूरों की छटनी करनी पड़ती है। इससे मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं और दूसरे काम की तलाश करने लगते हैं।